ये नगर कीर्तन है, सिखों के 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश उत्सव को समर्पित आज नगर कीर्तन, विशाल नगर कीर्तन जो कि शहर से आराम होता हुआ नगर पालिका के सामने कलगीधर खालसा मोहल्ला में पहुंचा है और ये देर शाम तक सिविल लाइन गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पर समापन होगा। जगह जगह हर समुदाय के लोग इस नगर कीर्तन का स्वागत कर रहे हैं और भाईचारे का एक संदेश दे रहे हैं जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी पर्व धर्मों के लोग एक दूसरे के पर्व का सम्मान करते हुए आज सभी धर्मों के लोग नगर कीर्तन का स्वागत कर रहे हैं। ये सुबह करीब 1:30 बजे के आसपास तोपखाना रोड से चालू हुआ और मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री आकाश सक्सेना जी ने हरी झंडी दिखाकर नगर कीर्तन की रवानगी करी जो कि सराफा बाजार होता हुआ और आपका हामिद स्कूल होता हुआ नगर पालिका के सामने इसको गुरुद्वारे के पास पहुंचा है और आगे नगर कीर्तन आगे की ओर रवानगी हो रही है। हाँ जी, ये सिविल लाइन्स रेलवे स्टेशन से अंदर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा संत भाई जी बाबा से होता हुआ गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पर समापन होगा। काफी लोग भारी संख्या में देखने को मिला, किस तरह का इंतजाम? देखिए, इंतजाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कल हमारी मीटिंग हुई थी, एडिशनल SP साहब CO साहब हमारे साथ गश्त पर रहे और बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। सिखों का 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश उत्सव है, हजारों की संख्या में सिख समाज के लोग यहां पर उपस्थित अपने गुरु ग्रंथ साहिब को नवाज रहे, माथा टेक रहे हैं और गुरुघर की खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। जगह जगह स्टाल लगे हुए हैं, हर धर्म के लोग स्टाल लगाकर एक हमारे जो नगर कीर्तन का स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। नज़ारा आपके सामने है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है और मैं समझता हूँ कि रामपुर शहर भाईचारे का शहर है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के पर्वों को मिलजुल कर मनाते हैं और एकजुटता का परिचय देते हैं। कोई ठंड नहीं है, कोई ठंड नहीं है, जोश है क्योंकि हमारे गुरुओं के बलिदानों का बलिदान, हमारे गुरुओं का बलिदान वो हमें भुलाया नहीं जा सकता। उनकी याद में कोई ठंड नहीं है, कुछ नहीं है, युवा महिलाएं पुरुष सब एक साथ जोश के साथ नगर कीर्तन में शामिल हो रहे हैं।